नरेंद्र मोदी जी कह देते हैं महंगाई कहाँ है, तो वही सब मीडिया चला देता महंगाई कहाँ है। लोगों को हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र मतलब नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए। आप कहाँ है वो, आप क्यों रोडों पे नहीं आ रहे? मोदी जी जाके अडानी अंबानी को तोहफा देते हैं कि आपका 70,000 करोड़ माफ कर दिया, 20,000 करोड़ माफ कर दिया। यूथ कांग्रेस ऑफिस और यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई को लेकर बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, काले कुर्ते आपको दिख जाएंगे, गले में पहने हुए ये माला पहने हुए खड़े हुए हैं, तो आप समझिए ये जो माला है फूलों की माला नहीं है, ये सब्जी की माला है। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। हाँ। और मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है, तो ये सब्जी की माला पहनकर क्यों खड़े? आज नरेंद्र मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है कि सब्जियाँ एक भिंडी 10 रुपए की, टमाटर 15 रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का बैंगन है, 5 रुपए का आलू है। मतलब गरीब के हम ग्रेजुएट पहले 5 रुपए का कहाँ आ रहा है? एक आलू 5 रुपए का आप खरीदिए तो सही। आप मार्केट, यही तो आप कमी है ना। मीडिया कभी जाता नहीं बाजार में, जाके देखे। नरेंद्र मोदी जी कह देते हैं महंगाई कहाँ है, तो वही सब मीडिया चला देता महंगाई कहाँ है। आप जाइए, रोजगार नहीं है युवाओं के पास, गृहणी महंगाई से परेशान है। रोज जो मंडी से आती है सब्जियां नीचे हम भी खरीदते हैं, तो इतनी महंगी हो चुकी है। हम चाहते हैं ये प्रधानमंत्री महंगाई पे लगाम लगाए और युवाओं को रोजगार दे। हमें ये पापड़ बेचने पड़ रहे हैं, सुबह से पापड़ बेच रहे हैं, हमारा एक पापड़ नहीं बिक रहा है। तो आप बताइए क्या हाल हो चुका है रोजगार का? पापड़ बिक नहीं रहे हैं, सब्जी महंगी है। मतलब आप देखिए, दूध पे GST लगा दिया है, सिलेंडर 1100 के पार हो चुका है। तो आप बताइए गरीब जाए तो जाए कहाँ, युवा कहाँ जाए? देश हित में कर रहे हैं मोदी जी बोलते हैं। अरे देश हित में गरीब, जो गरीब की भला करना, जो कांग्रेस पार्टी करा करती थी, गरीबों को मतलब सब्सिडी दिया करती थी महंगाई पे, कब वो भी तो देश हित में है। मंदिर मस्जिद बनाना देश हित नहीं है? देश हित गरीबों तक रोजगार और महंगाई कम करना, ये देश हित है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, देख रहे हैं ना आप, हिंदू राष्ट्र। इन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बदल दी है। लोगों को हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र मतलब नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। अगर चाहिए हिंदू राष्ट्र में खुश है, अगर इंसान जिंदा रहेगा तभी तो हिंदू मुस्लिम बनेगा। अगर वो जिंदा ही नहीं रहा तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से बनेगा? आप लोगों को ना सबसे पहले जीवन जीना। अगर मैं आज जिंदा हूँ, 2 वक्त की रोटी खाऊंगा तभी तो मंदिर जाऊंगा। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो मंदिर मस्जिद कहाँ से जाऊंगा? मैं देख रही हूँ अलग अलग तरीके के रोजगार भी दिखा रहे हैं आप करके, ये जूता पॉलिश भी हो रहा है सामने। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है, लेकिन लोग सुबह से बैठे, लोग PhD कर रहे हैं, डिग्रियां ले लेके बैठे, अपनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है मैं ग्रेजुएट हूँ, चाय बेच रहा हूँ, मेरी चाय खरीद लो। आप ये देखो, एक ग्रेजुएट को चाय बेचनी पड़ रही है, उसकी चाय नहीं बिक रही है। अब महंगाई का आलम कहाँ चले गया? अगर मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं कि नहीं, तो ये युवा यही तो कर रहे हैं कि हम भी चाय बेच लेते हैं, लेकिन इस चाय पे भी टैक्स लगाने का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने। GST लगा दी, जो वो चाय भी आज इतनी महंगी होगी, इन युवाओं की कोई चाय भी नहीं खरीद के वो हो रहा है, कौन इनकी चाय खरीदेगा? जब महंगाई कम होगी तभी तो इनकी कोई चाय खरीदेगा। ना चाय खरीद रहा है, ना पापड़ खरीद रहा है। लोगों की ग्रहणीय जो है ना सब्जी से दूर होती जा रही है। आप देखिए बिहार में लोग घास की रोटी खा रहे हैं, घास की रोटी। मोदी जी जाके देखिए तो सही एक बार, बिहार में कितनी महंगाई हो चुकी है, लोग आटा भी नहीं खा पा रहे, घास की रोटी बनाते हैं उसको खाने लग रहे हैं। और अभी आगे भी दिखाते हैं, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। भाई आप भी माला पहनकर खड़े हैं सब्जियों की, क्यों भाई? मैं इसलिए खड़ा हूँ, जो आज मोदी जी की, आज मोदी जी का जो जन्मदिन है, तो उस पर ये बोल ले कि 10 फूल का हम इतना रिकॉर्ड बना देंगे, उतना रिकॉर्ड बना देंगे, पर इनको ये पता नहीं कि जो बेरोजगार आज जमीन पर सड़क पर घूम रहे। मोदी जी का जन्मदिन है और आज आप यहाँ बेरोजगारी दिवस मना रहे? बेरोजगार दिवस मना रहे हम, जन्मदिन नहीं मना रहे हम, बेरोजगार दिवस मना रहे, क्योंकि जो भी बच्चा ग्रेजुएट है उसको कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं, सड़क पे घूम रहा, चाय पकोड़े बेच रहे, देखो सब्जी हमारे गले में लटकी, हमें कोई रोजगार नहीं, तो इसलिए हम तो रोड पे आए। जी उद्घाटन कर रहे, कोनों में 8 चीते पहुंचा दिए हैं, 70 सालों में नहीं हुआ है। 70 सालों में क्या नहीं हुआ? 70 सालों में चीते नहीं आए भारत में। आप मुझे बताओ, मोदी जी ने इतने 8 साल में 5 काम कोई अच्छे गिना दो, जो अच्छे करे हो, 5 काम अच्छे गिना दोगे तो मैं छोड़ कर चला जाऊंगा।
अच्छा मैगन बाहु आपको नहीं मालूम पांच काम, पांच काम अच्छे गिना दो। विकास आ गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, विश्व गुरु बन गया, विकास आ गया, चाइना टाइट कर दिया। अच्छा चाइना टाइट कर दिया, चाइना ने इतना राम मंदिर बना दिया, रामलला जी को बिठा दिया। राम मंदिर नहीं, चाइना की बात करो, चाइना में जो चीन की सीमा में जो गाँव बना रखा है, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? पकौड़े की दुकान लगाएंगे हम, ये बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, बेचना रोजगार है, पकौड़ा बेचना रोजगार है। तो मोदी जी से बोलो, मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ के आ जाओ। चाय बेची है उन्होंने, देखो बेची है। अगर उसने कोई अगर चाय मोदी जी ने चाय बेची हो तो मुझे दिखा दो, साबित करके दिखा दो। वो मंच से बोलते हैं हमने चाय बेची है, नाले की गैस से उन्होंने गैस बनाई है उसका। वो तो अनुभव होंगे, देश का चौथा स्तंभ जो है वो बिक चुका है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करता है। मैं चौथा स्तंभ कहा हूँ मैं तो, देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे एक नेटवर्किंग का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो सारे मोदी जी के साठ गांठ में चलते हैं। अच्छा। उनकी बढ़ाई करेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे, विपक्ष की नहीं सुनने वाला कोई, और विपक्ष को दबा के रखते हैं। आप कमजोर है ना, आपका मीडिया ही नहीं है। कैसे कमजोर है, मीडिया आप हो, चौथा स्तंभ आप हो, देश को आप सच्चाई दिखाओगे, हम दिखाएंगे। हम तो रोड पे आए हैं, अगर युवा बेरोजगार है तभी तो रोड पे बैठ रहा, किसी को शौक है, हमको और आपको शौक है रोड पे बैठने का? नहीं है शौक। कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता, माता पिता 20-20 लाख दे के MBA करा के कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता कॉलेजों में। क्या नाम है आपका? शानू खान। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ, मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जॉब ही नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोविंदर सिंह है। पढ़े लिखे हैं? मैं BA पास। BA पास। हाँ जी। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं, जब तो सब्जी बेच रहा हूँ मैं, अभी तो रोड पे खड़ा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, ये ही तो कर रहा हूँ जो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। अच्छा। आपको इतना सबूत दिखा रहा हूँ मैं, सामने सामने एक बार पोस्टर दिखा दीजिए, ये पोस्टर आप देख लीजिए। देश में जब से आई है भाजपा सरकार, ना रोजी है, ना रोटी है, और ना ही है रोजगार। भारतीय युवा कांग्रेस ये बैनर्स लेके खड़ा हुआ है। अभी आपके और भी रोजगार है यहाँ पे, आपको दिखाते चलते हैं। ये देखिए सामने ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसकी टोपी पहन ली है, जूता पहन के पॉलिश किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतू शमसुज्जमा है। सुबह से बैठा हुआ हूँ, एक भी कस्टमर नहीं आया मैडम। कितने पढ़े लिखे? मैं इंटर पढ़ा हुआ हूँ मैम। और बताइए कि इस टाइम इतने महंगाई हो चुके हैं कि सुबह से बैठे हुए हम लोग, एक भी बंदा पॉलिश करवाने, पहले 2014 में से पहले ये जूता 5 रुपये में पॉलिश होता था, 5 रुपया 7 रुपया इससे ज़्यादा नहीं। हमारे घर के नीचे मोची वाले हैं, वो 5 रुपये 7 रुपये में हम लोग भी स्कूल जाते थे, करवाते थे। आज के टाइम में 40-50 रुपये हो गए। अब बताइए कोई बंदा 50 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी है, 1000 रुपया, वो 50 रुपये का पॉलिश करवाएगा या बीवी बाल बच्चे को पालेगा? पकौड़ा तेल है बहुत। अरे परेशान है, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बीवी बच्चे बोलते हैं कि क्या काम कर रहे हो, लागे जिंदगी तो हम लोग की। जूता लेकर के पॉलिश कर रहे हैं और ऊपर सर पे ग्रेजुएट की टोपी। कांग्रेस का राज था ना मैडम, 50 पॉलिश करवाने आते थे ना, 5 रुपए लेते थे ना, उसमें भी खुश रहते थे। अब कांग्रेस आ जाएगी तो मतलब खुश हो जाएगी? कांग्रेस की बात नहीं है, देखिए महंगाई हर कुछ में कितना हो चुका है, कितना हो चुका है, तेल पानी दूध चीनी पत्ती पेट्रोल डीजल हर कुछ में रेट बढ़ चुका है। कर्जा मुक्त कर दिया ना, कर्जा किसका, हम लोगों का साला कर्जा ही नहीं था, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग किससे कर्जा लेंगे, जितना कमाएंगे उतना खाएंगे। टोपी लगा के, टोपी लगा के अंबानी अडानी का कर्जा माफ किया, गरीबों का थोड़ी ना किया मैडम। गरीब कहाँ से कर्जा लेगा? तो एक लोग गरीब जाके पूछिए ना, गली मोहल्ले में कितने परेशान है। ये देखिए जूते पॉलिश कर रहे हैं, जो 50 रुपए 5 रुपए का काम 50 रुपए में कोई भी नहीं करवा रहा है, सुबह से बैठे हुए। अभी अभी यहाँ पे ये भी पकौड़ा भी तला जा रहा था, हटा दिया है। सामने देखिए पुलिस वाले आके इनका रोजगार भी छीन ले रहे हैं। जैसे तैसे ये बेचारे पॉलिश कर रहे हैं जूता, कोई यहाँ पर पकौड़ा तल रहा है तो कोई सामने। अभी ये सामने देखिए, क्या नाम है आपका? प्रियंका। ये रोजगार के लिए आप पकौड़ा कोई तल रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी का कहना था ना, जो पकौड़ा तलेगा वो बेरोजगार तो होगा नहीं है, तो बस
इन्हें पकौड़ा तल रहा है देखिए, तो तलेगा ही, सरकार बताया पकौड़े तलने को, तलेगा ही। महंगाई इतनी हो रही है, बेरोजगारी इतनी हो रही है देश में, सब कुछ करना पड़ेगा। पेट क्या चाहिए, रोजगार तो मिल ही रहा है मैडम। अगर पढ़े लिखे होने के बाद ये सब कुछ काम करना पड़े तो हमारी सरकार विफल है। चुनावी कुछ मुद्दा तो नहीं है अभी वहाँ पे यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, चुनावी मुद्दा नहीं है हम इन, इन ये हर घर का मुद्दा है मैडम, ये हर घर का मुद्दा है। हम ये मुद्दे उठाते आए हैं पिछले कई सालों से, जब से सरकार सत्ता में है हम ये मुद्दे उठा रहे हैं लोगों के, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठते रहे हैं, उठते रहेंगे हमारी साइड से। घर की आप गृहिणी है तो ये सब्जी किस भाव मिल रही है अभी बता सकती है हमारी जनता को? 50 रुपए किलो टमाटर हो रखे हैं इस टाइम, 60 रुपए किलो प्याज है, गोभी 100 रुपए किलो हो रही है, धनिया 250 रुपए किलो है जो मात्र कट के खाया जाता है घर में ऊपर से डालने के लिए सजाने के लिए, वो 250 रुपए किलो मिल रहा है। ये तो वही सब्जी की बात जिस पे पकता है वो गैस सिलेंडर कितना, गैस का दाम 1100 रुपए पहुँच रहा है मैडम, एक गृहिणी के जेब पे सीधा सीधा सर डाल रहा है, ये घर का बजट पूरी तरह हिल चुका है लोगों का। आज मोदी जी का जन्मदिन है, वो चीते ला चुके हैं, पूरा मीडिया कवर करके दिखा रहा है मोदी जी चीते ला रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी ही योजना थी, हमारे सरकार की योजना थी, लाए अब गए हैं बस। अच्छा स्मृति ईरानी जब इतना सिलेंडर महंगा हो रहा था तब तो आ रही थी, अभी नहीं आ रही है, आप लोग आ रहे हैं? स्मृति जी के घर में तो अब भरपूर है ना सिलेंडर की, क्या हर चीज की गुडविल है, सब कुछ है, अच्छा है उनके लिए, अब वो क्यों आएंगी, सत्ता में है भाई, पीछे ही रहेंगी अब वो। मैम क्या नाम है, किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें जनता का दुख दिखाई नहीं देता है, वो अपने घर पे आराम से बैठ के अब शांति से अपना जीवन जी रही है। जब गैस का दाम जब पहले बढ़ गया था तब वो रोड पे आ चुकी थी सिलेंडर लेकर, अब कहाँ है वो, अब क्यों रोडों पे नहीं आ रही है, अब क्यों अपना लोगों के लिए दर्द नहीं दिखा रही है और सामने आके को अपनी बेटी के बारे में ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, तो वो कहाँ से आम जनता के लिए उठ के आएंगी बाहर अब? और महिलाओं के मुद्दे तो उठा रही है ना संसद में, क्या मुद्दे उठा रही है और क्या किया है उसने अभी तक? सिर्फ मुद्दे संसद के अंदर बैठ के कैमरा के सामने कर देने से हो जाएगा? किस लड़की, किस, अभी 2 दिन पहले हुआ है एक हैदराबाद में एक लड़की किडनैप घर के सामने से हुई है, अभी यूपी में जो गैंगरेप हुआ है उसका, उसके लिए क्या किया है उसने? कुछ नहीं किया है। और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वो सिर्फ बोल सकती है कैमरा के सामने, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकती, अपनी बेटी का उसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे मुद्दे लेके आती है वो, क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अपनी बेटी को गलत राह दिखा रही है वो और महिलाओं को क्या राह दिखाएगी, एक बात बताइए, और महिलाओं के लिए क्या राह बनाएगी वो? अरे कितना महंगा, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से महंगाई डायन खाए जाते हैं, जो बोला जाता था वो आज यहाँ दिख रहा है, सामने देख सकते हैं ये सब्जियाँ बेची जा रही है किस तरीके से, टमाटर प्याज भिंडी लगा रखा है, सामने पकोड़ा तला जा रहा है, ब्रेड पकोड़े का भी यहाँ पे स्टॉल था मगर पुलिस द्वारा यहाँ पर हटा दिया गया है, तेल नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं पकोड़ा हो चुका है कि पकोड़ा कैसे तोले, और इसके पता है कि 20 रुपए में बेचने में भी कोई लेने नहीं आते, पहले के टाइम में 5 रुपए में बेचते थे ना, एक दिन में 150-200 बिक जाता था। लोग मुद्दे उठा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, सड़कों पे तो कोई आ नहीं रहा है, सड़कों पे नहीं आ रहा, कांग्रेस पार्टी तो ही सड़कों पे है, और कौन है बताइए आप, कौन है सड़कों पे? हम लोग ही है, कांग्रेस पार्टी है, आप सब है, आए दिन महंगाई के खिलाफ है, आप देख नहीं रही हो मैडम, दिखते नहीं है क्या आप हमारे हर प्रोटेस्ट में आती हैं? 15 लाख मैडम, अगर हम आपको सड़कों में नहीं दिख रहे ना, इसका मतलब हमारा चौथा स्तंभ बिल्कुल बेकार हो चुका है, मीडिया में 15 लाख आए नहीं क्या? आप दूध खरीदती हो, GST लग गया, महंगा हो गया पेट्रोल पे, गाड़ी तो चलती होगी तो गाड़ी पे पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है, आप बताओ ना, आप बताओ, सिर्फ हुआ या नहीं हुआ, आप एक बार मैं तो देखो आपसे, आप जनता से बताओ महंगा हुआ या नहीं हुआ, भाई मैं तो आपसे पूछूंगी ना, ठीक है बोल रहे ना कि महंगा हो चुका है सब कुछ, क्या करे हमारे 15 लाख रूपए, 15 लाख 15 लाख कोई लौटा दे हमारे 15 लाख रूपए, हमें उन 15 लाख की आज जरूरत है, 15 हजार अरे कोई लौटा 15 हजार दे दो, 15 दिन घर चल जाएगा हमारा, सखी सही है तो बहुत ही कमायत है, लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं, सामने पोस्टर देखिए, सखी सही है तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये देखिए तो बच्चे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, हम कहाँ से ला के देंगे, रोजाना जब रोजाना कहीं जाते तो रोज कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, और
हम जाके कहते हैं कीमतें क्यों बढ़ा रहे हो, कहते हैं मोदी जी से जाके पूछिए, मोदी जी के बढ़ा रहे हैं सब चीजों का। अब आप बताइए, उनका जन्मदिन नहीं बनने देंगे आप लोग, है ना? हम जन्मदिन कैसे मनाएंगे? अच्छे दिन लाते जब तो मनाते हैं, काम करेगा जब तो जन्मदिन मनाएंगे मोदी जी। अरे आठ आठ आपको खुशी नहीं हो रही है? चीत पिछले 70 साल उस दिन होगी जिस दिन इन युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगा, जिस दिन ये गृहिणी खुशी खुशी आएंगी और वो खुशी खुशी मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगी। आप बताइए, मोदी जी को अपने जन्मदिन पे तोहफा देना चाहिए युवा को रोजगार, महंगाई कम करनी चाहिए। अब मोदी जी जाके अडानी अंबानी को तोहफा देते हैं कि आपका 70,000 करोड़ माफ कर दिया, 20,000 करोड़ माफ कर दिया, तोहफा दिया है ना, 8 चीते लाए चीते लाए हैं। या गरीबों को खाना नहीं हो रहा, वहाँ से अफ्रीकन चीतों का खाना खिलाएंगे, लेकिन हिंदुस्तानी युवाओं को जानवरों के लिए सोचा था किसी ने आज तक? लेकिन भारत में लाए हैं वो, देखिए हिंदुस्तान के जो गरीब हैं वो इन मतलब जानवरों से भी बदतर है क्या? उस जानवर को खाना मिलेगा, उस जानवर को रख रखाव के लिए हर चीज मिलेगी, लेकिन युवाओं को, गरीब जनता को, गृहणियों को कोई सौगात देने का काम करते आज नरेंद्र मोदी। तो हम युवा कांग्रेस के भी लोग आज जश्न मनाते और मोदी जी का महिमा मंडल करते। हम जाके इन्होंने हमें पकोड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया है, हमें जाके सब्जी बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। आप सुबह से लगाइए, पुलिस वालों ने आया हटा दिया कि हटाओ यहाँ से। रोजगार ही तो दिखा रहे हैं, रोजगार ही दिखा रहे हैं कि रोजगार किस तरीके से चलेगा, लेकिन पुलिस यहाँ इतनी तादाद में खड़ी हुई। आप बताइए, पहले 8 साल पहले पुलिस वाले जो मंथली लेते थे, आज उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है, वो भी दुगुनी हो गई, पुलिस वालों का खर्चा भी दुगुना हो गया है। तो आप बताइए, हम युवा जाए तो जाए का गृहिणी जाए, सब्जी वाला कह देता है भैया हमको सब चीजों का देना पड़ता है, MCD को भी देना पड़ता है, पुलिस को भी देना पड़ता है और सरकार को भी देना पड़ता है। तो आप बताइए, ये जो लूट खसोट चल रही है, जो केजरीवाल भी इन्हीं के दम पे आए थे, जो भ्रष्टाचार के उस पे आए थे, भ्रष्टाचार पे कहाँ लगाम लगी? आज जो आधी महंगाई बढ़ने का कारण है भ्रष्टाचार, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाई, आप देखिए हर स्तर पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, सब्जी के जो आधे दाम तो भ्रष्टाचार ने बढ़ा रखे। कांग्रेस क्या दूध की धुली है? अरे कांग्रेस के टाइम में तो ये दाम आधे थे, अगर कांग्रेस के टाइम में दाम कम थे तो इसका मतलब कांग्रेस दूध की धुली थी ना, अगर ये आज दुगने दाम हो गए तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की नीयत में खोट है। तो हम सिर्फ खोट है, देश के लिए पूरा काम कर रहे हैं आप? क्या काम किया क्या काम किया? हम कह रहे हैं मंदिर बनाइए, हम जाएंगे उस मंदिर में भी जाएंगे, आप मस्जिद बनाइए, हम मस्जिद में जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, लेकिन हम रोजगार से की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। जब हम घर जाते हैं, गृहणियाँ एक ही सवाल हमसे पूछती हैं कि आज आप क्या लेके आए हो घर में? हम जब कांग्रेस का राज थे घर कुछ ना कुछ लेके जाते थे, आज हम खाली जेब जाते हैं, तो आप बताइए हम बच्चों के लिए क्या लेके जाएं? सिर्फ हमें ये चाहिए महंगाई कम करें ये प्रधानमंत्री, युवाओं को रोजगार दे, हमारी और कोई नहीं है। भ्रष्टाचार ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लोग सोचते थे भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाऊंगा, लेकिन ये क्या पता था गृहणियों को? अब पता चला है कि ना तुम्हारे घर में कुछ छोड़ूंगा ना अपने घर में वहाँ जाने दूंगा। तो उसका मोदी जी का एक ही मंत्र है कि गरीब की थाली खोसना, आप गरीब की थाली खींच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रोजगार था मगर पुलिस द्वारा जैसे यहाँ पे बैंडिंग वाले जो लगाते हैं जैसे हटा दिया जाता है, पुलिस वाले आते हैं तो वैसे ही यहाँ से सब रोजगार हट चुका है क्योंकि पुलिस वालों का डंडा चल चुका है यहाँ पर। तो अब लगातार जो यहाँ पकौड़ा तला जा रहा था, जो यहाँ जूते पॉलिश हो रहे थे, यहाँ पे चाय बेची जा रही थी, वो अभी हट चुका है यहाँ पर। जिस तरीके से ये सामने आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर जो है रोजगार दिखाया जा रहा था, किस तरीके से महंगाई हो चुकी है लगातार, किस तरीके से जूता पॉलिश वाले को एक रोज का जो एक रोज मर्रा का काम है उसको 8 आने भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सोचिए किस तरीके से काम चलेगा। तो यहाँ पर अभी देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सभी जो है महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन भी है, प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है और आज उन्होंने आज ही के दिन उन्होंने जो है 8 चीते ला दिए हैं और बैठा दिए हैं कोनों में पार्क में। लेकिन यहाँ पर आज यहाँ पर अलग ही दृश्य है, यहाँ पर लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर जब प्रदर्शन किया जा रहा है तो काफ़ी तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद हैं और इनके रोजगार पर जिस तरीके से लात पड़ चुकी है तो वो लात पड़ चुकी है अभी, यहाँ जितनी भी दुकानें थी वो हट चुकी हैं, हटा दी गई हैं। तो ये आप देखिए कि एक तरफ चीतों को लाकर
खूब आलीशान तरीके से बैठाया जा रहा है और एक तरफ देश की जनता है जो त्राही त्राही कर रही है और महंगाई पर रो रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, यूथ कांग्रेस दिल्ली।